आकाशवाणी है। अब आप आशा निवेदी से समाचार सुनिए। महाराष्ट्र और हरियाणा में नई विधानसभा चुनने के लिए आज मतदान होगा। वोट सवेरे 7 बजे से शाम 6 बजे तक डाले जाएंगे। महाराष्ट्र के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में मतदान दोपहर 3 बजे तक ही होगा। महाराष्ट्र में 288 सीटों वाली विधानसभा के लिए 276 महिलाओं सहित 49,119 उम्मीदवार मैदान में हैं। हरियाणा में 90 सदस्यों वाली विधानसभा के लिए 1,351 उम्मीदवार अपना राजनीतिक भाग्य आजमा रहे हैं। महाराष्ट्र में नक्सल प्रभावित गोंदिया और गढ़चिरौली जिलों में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए सुरक्षा के विशेष प्रबंध किए गए हैं। हवाई निगरानी के लिए वायुसेना के 5 हेलीकॉप्टरों की सेवाएं भी ली जा रही हैं। आज ही महाराष्ट्र में बीट लोकसभा सीट के लिए भी उपचुनाव हो रहा है। ये सीट भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गोपीनाथ मुंडे के निधन से खाली हुई है। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में कनुबारी विधानसभा सीट का उपचुनाव भी आज ही होगा। यहां सवेरे 7 बजे से शाम 5 बजे तक वोट डाले जा सकेंगे। इधर हरियाणा में शांतिपूर्ण मतदान के लिए अर्धसैनिक बलों सहित 50,000 पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। हरियाणा के सभी सीमावर्ती इलाकों में लोगों और गाड़ियों की आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जा रही है। हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी श्रीकांत बलगढ़ ने बताया कि 2,700 मतदान केंद्रों की पहचान संवेदनशील केंद्रों के रूप में की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल आंध्र प्रदेश में हुदहुद तूफान से बुरी तरह प्रभावित विशाखापट्टनम का दौरा किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि केंद्र सरकार राज्य को तब तक हर संभव सहायता देगी जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती। श्री नरेंद्र मोदी ने राज्य को अंतरिम सहायता के रूप में 1,000 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। उन्होंने तूफान और इससे जुड़ी घटनाओं में मारे गए लोगों के परिवारों को प्रधानमंत्री राहत कोष से 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50,000 रुपए देने की भी घोषणा की। विशाखापट्टनम हवाई अड्डे के राडार और उपकरण नष्ट हो जाने के कारण विमान संपर्क बुरी तरह प्रभावित है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने प्रधानमंत्री को स्थिति की जानकारी दी। राज्य सरकार भोजन, पानी, दूध, सब्जियां, ईंधन और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए सभी उपाय कर रही है। बिजली की आपूर्ति और दूरसंचार सेवाओं की बहाली के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। हैदराबाद और विशाखापट्टनम के बीच अधिकतर रेल सेवाएं कल शाम बहाल हो गई हैं। तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज हवाओं के कारण मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। गोवा में कल संपन्न 2 दिन के अखिल भारतीय सचेतक सम्मेलन में हर साल संसद की कम से कम 100 बैठकें आयोजित करने और सांसदों के लिए आचार संहिता लागू करने की सिफारिश की गई है। ये विचार भी व्यक्त किया गया कि संसद एवं राज्य विधानसभाओं के विशेष अधिकार के जटिल और लंबित मुद्दे को संहिताबद्ध करने के लिए दोनों सदनों को विमर्श करना चाहिए। संहिता पर अंतिम फैसले के लिए इसके सभी मुख्यमंत्रियों और पीठासीन अधिकारियों को भेजने का सुझाव दिया गया। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA और पश्चिम बंगाल अपराध शाखा ने एक संयुक्त अभियान के तहत 2 अक्टूबर को हुए वर्तमान विस्फोट के मामले में कई जगहों पर तलाशी ली है। तलाशी के दौरान कुछ आपत्तिजनक दस्तावेज और विस्फोटक बनाने में उपयोग किए जाने वाले धातु के टुकड़े भी बरामद किए गए। पेट्रोल की कीमत में 1 रुपये प्रति लीटर की कटौती की गई है। इसमें स्थानीय बिक्री कर वैट शामिल नहीं है। नई दरें आधी रात से लागू हो गई हैं। अब दिल्ली में पेट्रोल 66.65 रुपये प्रति लीटर, कोलकाता में 74.21 रुपये, मुंबई में 74.46 रुपये और चेन्नई में 69.69 रुपये प्रति लीटर है। पेट्रोल की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों में कमी को देखते हुए यह फैसला किया।